यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। भाकपा माले की गढ़वा जिला कमेटी के नेतृत्व में पारा शिक्षकों पर जानलेवा हमला व फर्जी गिरफ्तारी के खिलाफ बिना शर्त रिहाई एवं सम्मानजनक वेतन तथा छत्तीसगढ़ व बिहार के तर्ज पर अस्थायीकरण की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय गढ़वा से रंका मोड़ तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसमें पारा शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देना होगा, समान काम का समान वेतन लागू करो, गिरफ्तार पारा शिक्षकों को बिना शर्त रिहाई करो, रघुवर दास तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, लोकतांत्रिक आंदोलन पर दमन करना बंद करो, भाजपा के सांसद विधायक पारा शिक्षकों पर जानलेवा हमला और बर्बर लाठीचार्ज पर घड़ियालू आंसू बहाना बंद करो इत्यादि नारों से पूरा वातावरण गुंजयमान होता रहा। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव कालीचरण मेहता ने किया। प्रतिवाद मार्च रंका मोड़ पहुंचकर एक नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई, जिसकी अध्यक्षता किशोर कुमार ने की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में बुनियादी शिक्षा को संचालित करने वाले पारा शिक्षक अपने सम्मानजनक वेतनमान और छत्तीसगढ़ व बिहार के तर्ज पर अस्थायीकरण की मांग करते हुए झारखंड स्थापना दिवस के दिन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रघुवर दास पारा शिक्षकों के मांग पर सहानुभूति के साथ विचार करने के बजाय पुलिस के द्वारा बर्बर प्रतापपूर्वक लाठीचार्ज कराया, जिसका भाकपा माले निंदा करती है।